नमस्कार, जय जोहार। मैं कोमल साहू स्वागत करता हूं आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में, जहां पर आज हमारे चर्चा का, हमारे मंथन का एक विषय है जिसे हम बोल रहे हैं क्या, छत्तीसगढ़ पीएससी में मेंस राइटिंग। ये एक प्रॉब्लम आप देखते होंगे कि सबके सब, सर प्रीलिम्स तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन बात जहां आती है मेंस का, तो उस मेंस प्रोग्राम में हम कैसे करें, क्योंकि हमने तो लिखना सीखा ही नहीं। तो उसी क्रम पे आप देखे होंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल में पहला जो आपके लिए एक वीडियो रहा होगा हमारे सृजन सर के द्वारा आया होगा, और ये आज मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूं। तो इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य जो आपके लिए पेपर नंबर 6 और उसमें पार्ट नंबर 3 है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम सामने में एक प्रश्न देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों पर चर्चा करें या उसके ऊपर एक लेख लिखें। तो सर सबसे पहले तो हमको यह समझना पड़ेगा कि अगर लोक नृत्य है तो लोक नृत्य क्या चीज होता है। तो चलिए, अगर हम जब भी कभी किसी चीज को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करते हैं, उसको बिगिनिंग करते हैं, तो हमको एक चीज का बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी हम कोई चीज को लिखें उससे पहले हमारे पास क्या हो, थोड़ा सा थीसिस बना लिए रहें कि सर हमको अगर चीजों को लिखना है, अगर हमको एक डायरेक्शन देना है, तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जिसके तहत हम उसको डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या होता है, लोक नृत्य है, तो लोक नृत्य क्या चीज होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन क्या, लोक नृत्य। अगर बात होती है लोक नृत्य का, तो लोक नृत्य क्या चीज होता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी स्थान विशेष पर, किसी स्थान विशेष पर रहने वाले लोगों द्वारा खुशी का प्रदर्शन करने के लिए किया जाने वाला नृत्य हमारे लिए क्या कहलाता है, लोक नृत्य। अगर आप ये लोक नृत्य का देखोगे तो कोई ना कोई प्रकार का आपके लिए इतिहास रहेगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका क्या होता है, कि निश्चित इतिहास होता है, और वो इतिहास अलग अलग रूपों पे हो सकता है। मान लो देखते हैं उसका कोई ऐतिहासिक में, अगर उसका कोई धार्मिक इतिहास हो सकता है, उसका कोई पौराणिक इतिहास हो सकता है, और उसका कोई सामाजिक इतिहास हो सकता है। तो इसके दौरान हम देखते हैं इन सब चीजों के आधार पर क्या किया जाता है, लोक नृत्य किया जाता है। तो इनको बोला जाता है भाई आपके लिए क्या, लोक नृत्य। अगर बात होती है सर छत्तीसगढ़ में लोक नृत्यों के प्रकार, तो हम छत्तीसगढ़ में लोक नृत्यों को दो प्रकार से देखते हैं। एक होता है आपके लिए छत्तीसगढ़ के मैदानों में, अगर आप देखते हो लोक नृत्य को, तो अगर लोक नृत्य को देखें तो लोक नृत्य को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक होता है आपके लिए जो मैदानी क्षेत्रों पे जो लोक नृत्य करते हैं वो, और दूसरा होता है आपके लिए क्या, जनजातीय क्षेत्रों में किया जाने वाले लोक नृत्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनजाति लोक नृत्य। अगर बात होती है किसका, लोक नृत्य का जो जनरली मैदानी क्षेत्रों पे होता है, तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास मुख्य रूप से आप देखेंगे चार प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे लिए कौन सा, राउत नाच। उसके बाद हम देखेंगे इसी में हमारे पास होता है क्या, सुवा नृत्य। इसी में हमारे पास क्या होता है, पंथी नृत्य। और इसी में हमारे साथ होता है क्या, चंदैनी नृत्य। आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर चंदैनी भी नृत्य होता है क्या। हाँ भाई, चंदैनी नृत्य होता है, क्योंकि चंदैनी अलग अलग प्रकार के होते हैं। चंदैनी में गायन भी होता है, चंदैनी में नृत्य भी होता है, और चंदैनी आपके लिए एक लोक गाथा भी है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हम तो इसको लोक गाथा या अपन लोक गायन के रूप में पढ़े। हाँ आप पढ़े होंगे, लेकिन चंदैनी भी आपके लिए क्या होता है, एक लोक नृत्य होता है। तो अगर हम देखेंगे सबसे पहला हमारे पास, अगर अपन चलते हैं किसके लिए, लोक नृत्य का, अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्रारूप बनाते हैं, एक रूपरेखा बनाते हैं, एक थीसिस बनाते हैं कि इसको लिखा कैसे जाए। तो अगर अपन लिखने के लिए चले, तो सबसे पहले अपन देखते हैं किसको, किसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। अगर कोई सा भी लोक नृत्य लिखो, चाहे आप सुवा लिखो, चाहे आप राउत नाचा लिखो, चाहे आप चंदैनी लिखो, चाहे आप पंथी नृत्य लिखो, लेकिन कम से कम हमारे पास 5-10 ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जिसको सभी लोक नृत्यों में लिखा जा सके, ठीक है जी। तो
सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि ये कौन से अवसर पे किया जाता है, पहले तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सर ये कौन से अवसर पे करते हैं। दूसरा हम देखेंगे इसमें नर्तक कौन होता है। मान लो अपन देखेंगे कोई जो नृत्य होता है वो स्त्री प्रधान होता है, कोई नृत्य आपके लिए क्या होता है पुरुष प्रधान होता है, तो उसको बहुत ध्यान में रखना है कि किस प्रकार का होता है, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा देखेंगे इसका कोई एक निश्चित इतिहास है क्या, इतिहास में हम देखे थे क्या कि इसका कोई धार्मिक पौराणिक या इसके लिए क्या होता है आपके लिए सामाजिक एक इतिहास होगा जिसके आधार पर वो नित्य प्रचलन पे है, क्लियर जी। उसके बाद चौथा चीज देखेंगे कि इसमें वेशभूषा कैसे होती है। पांचवा चीज देखेंगे अगर कोई नृत्य किया जा रहा है तो क्या उसमें कोई ना कोई गीत गाया जा रहा है क्या, तो हमको गीत के लिए भी देखना है कि इसमें क्या गीत गाते हैं करके, क्लियर जी। उसके बाद देखेंगे अगर कोई भी नृत्य किया जा रहा है कोई भी गीत गाया जा रहा है तो उसका कोई ना कोई क्या होगा उद्देश्य होगा, कोई ना कोई उसमें क्या होगा कामना होगा, कोई ना कोई अभिव्यक्ति होगी, तो उसको देखना है कि उसका उद्देश्य क्या होता है। सातवा अगर इसी में अपन देखें कि इस नृत्य का जो आपके लिए प्रारंभ कैसे होता है इसमें समापन कैसे होता है, तो अपन इसमें देख लेंगे नृत्य का जो प्रारंभ कैसे होता है और इसका समापन कैसे होता है, और हर नृत्य के बारे में कुछ ना कुछ एक विशेष चीज होती है तो उसके बारे में हम देखेंगे कि हमको आगे क्या क्या चीज देखना है। अगर हम डील करते हैं पहला, अगर हम पहला डील करते हैं किसको सुवा नृत्य के लिए, तो देखिए भाई जैसे हमने सुवा नृत्य पढ़ा सुवा नित्य। अब सुवा नित्य में जैसे जैसे हमने पॉइंट लिखा था तो पहला पॉइंट हमारे लिए क्या था अवसर, तो जैसे हम अवसर पे पढ़े हैं बिल्कुल एकदम एज इट इज उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले ये कब किया जाता है, सामान्यतः सामान्यतः दीपावली के अवसर पे। अब देखिए भाई अब जब भी कभी मेंस राइटिंग करते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है कि आपके पास वर्ड्स कैसे चयन कर रहे हैं, आपके पास जो वर्ड्स है उसका सिलेक्शन कैसे। इसमें मैंने लिखा सामान्यता वर्ड, अब ये सामान्यता वर्ड क्यों जरूरी है, ऐसा थोड़ा ना कि सुवानिता को केवल दीपावली में किया जाता है, कभी कभी आप देखते हो लोग उसको दूसरे समय में भी करते हैं, इसलिए हम लिख दिए सामान्यता कि जनरली ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसी टाइम पे होता है, इसलिए हम क्या लिखे सामान्यता दिवाली के अवसर पे किया जाता है। दूसरा हम इसी में बोले थे नर्तक, इसमें क्या चीज होता है, तो क्या सुवानित्य कौन करती है जी, तो ये स्त्री प्रधान क्या होता है आपके लिए नित्य होता है, तो आपको याद रखना है क्या होता है स्त्री प्रधान नित्य होता है। अब स्त्री प्रधान में इसमें दो टाइप के होते हैं, एक विवाहित महिलाएं और दूसरा अविवाहित महिलाएं, तो हमको याद रखना है इसमें क्या विवाहित महिलाओं को और इसी में हमको याद रखना है क्या अविवाहित महिलाओं को। और अविवाहित महिलाएं का मतलब क्या हो रहा है जी हमारे पास, इसका मतलब हो रहा है युवतियों से, क्लियर। अब देखिए हमको देखना है कि अगर नृत्य हो रहा है तो किस प्रकार का होता है, तो हमको पता है जी क्या होता है बीच में आपके पास एक क्या होता है धान का टोकरी होता है, धान की टोकरी। अब इसी धान की टोकरी में देखेंगे कि हमारे पास दो सुवा होते हैं कि नहीं बताइए, अगर दो सुवा है तो वो दो सुवा किसके प्रतीक होते हैं, तो हमको पता है कि वो किसके प्रतीक होते हैं शिव और गौरी के प्रतीक होते हैं, क्लियर जी। तो हम इतिहास भी देख लिए क्या, तीसरा हमको क्या देखना था इतिहास, और इतिहास में हमारे पास क्या है पौराणिक धार्मिक इतिहास है कि इसमें जो सुवा रखते हैं वो भगवान शिव और माता गौरी के प्रतीक होते हैं, तो आपके लिए इतिहास भी क्लियर। अगर हम चौथा देखें कि इसमें हम लोग चौथा क्या चीज पढ़े थे करके, तो चौथा हमने पढ़ा था इसमें वेशभूषा, तो जनरली क्या होता है सामान्य रूप से आप देखोगे तो इसमें जो युवतियां होती है चाहे वो विवाहित महिलाएं होती है इसमें क्या धारण करती हैं साड़ियां पहने होती हैं या फिर साड़ी धारण करी होती है, तो ये हो गया। उसके बाद देखे थे कि हम इसमें कोई गीत गाते हैं क्या, हाँ बिल्कुल गीत गाते हैं, इसमें हम सुवा गीत गाते हैं, तो हमको याद रखना इसमें क्या गीत गाते हैं सुवा गीत। आप सुवा गीत सुने होंगे जी, बोला जाता है ना तरी हरी नाना मोन नाना सुहाना रे, तो वही होता है सुवा गीत। अब हम इसी में पढ़े थे आगे और
कि अगर हमारे पास क्या हो रहा है, सुवागित हो रहा है, इसमें हमको देखना है वाद्य यंत्र। कोई वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। गरबा में और सुवा में यही अंतर होता है कि हम लोग जब सुवा करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते। क्लियर जी। उसके बाद अगर हम देखें अगला कि सर इसको कुछ विशेष, मैं लास्ट में बोला था इसमें कुछ विशेष पॉइंट का क्या करना है, प्रयोग करना है। तो विशेष पॉइंट हमारे लिए क्या चीज है? तो विशेष क्या चीज है भाई, जो आपके लिए सुवा नृत्य है वो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा प्रचलित, तो सर्व प्रचलित आपके लिए क्या है जी, लोक नृत्य है। उसके साथ हमको याद रखना है क्या, इसी को पंडित मुकुटधर पांडे ने क्या कहा, छत्तीसगढ़ का गरबा। तो आपको याद रखना है इसको क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का गरबा। तो हमको हमारा आंसर राइटिंग ऐसे कुछ चीज में लिखना है जिससे हम उसको क्या करें, बेहतर से बेहतर ढंग से फ्रेम कर पाए और हमको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल पाए। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, अवसर। अवसर के बाद हमने देखा था क्या, नर्तक। उसके बाद हमने क्या देखा, इतिहास। इतिहास के बाद हमने क्या देखा, वेशभूषा। वेशभूषा के बाद देखा हमने गीत, और गीत के बाद हमने देखा क्या, वाद्य यंत्र। उसके बाद देखा कि इसके लिए कोई विशेष कहावत है क्या, या इसको कुछ समाज में स्पेशल तरीके से देखा जाता है क्या। तो हमने देखा ये। अब देखिए, अगर मान लो मैं सुवा नृत्य को लिखता हूं तो सुवा नृत्य कैसे चीज लिखाएगा, अब देख इसके बाद आपको लिखा लिखा दिखा दूंगा कि हमको इसको फ्रेम कैसे करना। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सुवा नृत्य छत्तीसगढ़ में सामान्यतः दिवाली के अवसर पर किया जाने वाला स्त्री प्रधान नृत्य है, जिसे विवाहित महिलाएं एवं अविवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें धान की एक टोकरी होती है जिसमें दो सुवा को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, और इसी के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पे तालियों के थाप से अगर नृत्य करते हैं, उसी नृत्य को हम क्या बोलते हैं, सुवा नृत्य बोलते हैं। ठीक है जी। अब ये हमारे लिए दो नंबर में हो गया। अब अगर हमको चार नंबर में आ गया सर यही सवाल तो कैसे करें, तो चार नंबर में अगर हमारे लिए आ गया तब हम क्या करेंगे, इसमें वेशभूषा के रूप में साड़ियों का प्रयोग किया जाता है और इसमें सुवा गीत गाया जाता है। वो सुवा गीत किसको समर्पित होता है, भगवान शिव और माता गौरी को समर्पित होता है जी। उसके बाद पढ़ना है अपन को क्या, कि इसमें किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं होता, और छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध साहित्यकार जिनको पंडित मुकुटधर पांडे जी कहा जाता है, तो मुकुटधर पांडे जी द्वारा आपके लिए सुवा को छत्तीसगढ़ का गरबा कहा गया है या इसका संज्ञा दिया गया है। इतना बोल के अपन क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। अगर मान लो आपको ये आंसर फ्रेम में अगर मैं दूं तो ये कैसे फ्रेम होगा, आप देखिए। देखिए जी, जितनी चीजों को मैंने कहा कि सुवा नृत्य का आयोजन जनरली दशहरा के अगले दिन, लेकिन क्या होता है आपके लिए, दीपावली के रात्रि तक किया जाने वाला है, जिसमें बांस की एक टोकरी होती है जिसमें अनाज के ऊपर क्या होता है, दो हरे रंग का सुवा होता है जो मिट्टी या लकड़ी का क्या होता है, बना होता है। यह स्त्री प्रधान नृत्य है जिसमें युवतियां और स्त्रियां टोकरी के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पे तालियों के थपथपाहट से क्या करती है, नृत्य करती है। और हमको याद रखना, सुवा वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। मुकुटधर पांडे ने इसे छत्तीसगढ़ के गरबा की संज्ञा दिया है। आपको याद रखना है, सुवा नृत्य का प्रारंभ कहां से होता है, शिव और गौरी के प्रेम गीत के साथ होता है। और आपने देखा होगा दिवाली रात्रि पे जब आपके लिए शिव गौरी का गौरी गौरा आपके लिए पूजा किया जाता है, तो उसी में शिव गौरी का विवाह होता है, उसके साथ ये सुवा जो नृत्य होता है, सुवा जो गीत होता है, उसका आपके लिए समापन कर दिया जाता है। तो आपको याद रखना ये। तो ये आपके लिए क्या हो गया जी, सुवा नृत्य। अगर आपको दो नंबर में पूछेगा तो ऐसे लिखना है, अगर आपको चार नंबर में पूछेगा तो आंसर ऐसे लिखना है। ठीक है जी। अब हम लोग अगला चलते हैं, किसके लिए अगला हमको चलना है। ठीक है जी। उससे पहले मैं आपको छोटा सा चीज बता देता हूं। जनरली क्या होता है कि सर हम प्रीलिम्स का तो तैयारी कर लिए हैं, मेंस का कैसे करना है, इसके लिए हमको थोड़ी दिक्कतें होती है, तो उन दिक्कतों के लिए कंपटीशन कम्युनिटी हमेशा आपके साथ है। हम आपको कुछ चीजें बताने वाले हैं कि कंपटीशन कम्युनिटी बिलासपुर में आप देखोगे तो कंटिन्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, सीजीपीएससी मेंस का कोर्स चला रहे हैं। अगर आपको सुबह आना है, अगर आपको शाम आना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कंपटीशन कम्युनिटी का जो आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर में फोन कर सकते हैं, चाहे आप रायपुर ब्रांच के हो, चाहे बिलासपुर
ब्रांच के हो, चाहे दुर्ग ब्रांच के हो, चाहे आप राजनांदगांव ब्रांच के हो, चाहे आपको ऑनलाइन लेना हो चाहे ऑफलाइन लेना होगा, अगर आपको पीएससी से या व्यापम संबंधी कोई भी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको जानकारी प्राप्त करना है तो आप इन नंबरों पे फोन कर सकते हैं भाई। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं किसके लिए, जिस पे हमको चर्चा करना है। तो अगला चलना है हमको किसके लिए, राउत नाचा के लिए। और राउत नाचा को भी बिल्कुल हमको वैसा ही डील करना है जैसे हमने सुवा नित्य को डील किया। अगर हम लोग चलते हैं राउत नाचा के लिए, तो राउत नाचा में सबसे पहले अगर हम लोग अवसर देखेंगे कि सर इसमें इसको कब किया जाता है, तो सामान्यतः आप इसको भी देखोगे तो ये भी कब किया जाता है, दीपावली के अवसर पर। लेकिन अगर अपन दीपावली के अवसर पे देखेंगे तो जिस दिन से आपके लिए सुवा नित्य बंद होता है उसके अगले दिन से आपके लिए क्या होता है, राउत नाचा चालू होता है। मतलब दीपावली से लेकर जेठौनी जो तुलसी विवाह होता है उस दिन तक आपके लिए क्या किया जाता है, राउत नाचा किया जाता है। अगर बोले सर इसमें नर्तक क्या होता है, तो इसमें नर्तक कौन होता है, तो ये पूर्ण रूप से आपके लिए क्या होता है, पुरुष प्रधान आपके लिए क्या होता है, नित्य होता है। तो आपको याद रखना है पुरुष प्रधान नित्य होता है। सर इसमें किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है क्या, तो हाँ इसमें वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं हम लोग, क्या, गड़वा बाजा। तो हमको याद रखना जी गड़वा बाजा इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वेशभूषा देखते हैं तो इसमें क्या होता है, स्थानीय वेशभूषा होता है, स्थानीय वेशभूषा होता है। उसके साथ देखना जो राउत जाति के लोग होते हैं उन लोग क्या हाथ में लाठी पकड़े रहते हैं और उसी लाठी को पकड़ के उन लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। उसके बाद अगर देखे सर इसमें गीत क्या होता है करके, तो इसमें गीत नहीं गाया जाता बल्कि इसमें क्या गाया जाता है, दोहा। और ये जो दोहा होता है वो हमारे लिए क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीलाओं का वर्णन होता है जी। तो आपको याद रखना भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीलाओं का वर्णन होता है। सर इसमें कामना क्या करते हैं, जब भी हम लोग राउत नाचा करते हैं तो देखना अगर आप ग्रामीण अंचल के होंगे, आपका आपके घर में अगर राउत नाचने वाले आते होंगे, तो जो राउत जाति का जिनका परंपरागत पर्व है, जब वो आपके घर आते हैं आपको बोला जाता है क्या, ठाकुर, या आपको बोला जाता है मालिक, तो वो क्या करते हैं अपने मालिक का या अपने ठाकुरों के घर आकर सुहाई बांधते हैं। सुहाई बांधना आप जानते हो कि गाय के, या जो आपके लिए घर में आपके लिए गाय होता है, बैल होता है, भैंस होता है, जो आपके घर पशुधन होता है, उनके गले में क्या किया जाता है, सुहाई बांधा जाता है। वो सुहाई उनको क्या करता है, अनिष्टकारी शक्तियों से बचाता है। तो जब वो अपने मालिक के घर, ठाकुरों के घर जाते हैं और सुहाई बांधते हैं, उस समय क्या करते हैं, अपने मालिकों के समृद्धि की कामना करते हैं। आपको याद रखना विशेष, सर राउत नाचा के बारे में क्या विशेष है, तो बिलासपुर राउत नाचा जो है आपके लिए, बिलासपुर में जो आपके लिए राउत नाचा है वो आपके लिए कब स्टार्ट हुआ था भाई, 1978 को। तो आपको याद रखना है राउत नाचा। अगर हम देखें कि सर राउत नाचा को कैसे फ्रेम किया जाता है, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम राउत नाचा को अगर लिखें तो हम राउत नाचा को कैसे लिख सकते हैं, तो ये आपके लिए राउत नाचा। तो राउत नाचा क्या, सामान्यतः दीपावली से जेठौनी तक किया जाने वाला है, या पुरुष प्रधान आपके लिए क्या है, नित्य है, स्थानीय या पारंपरिक वेशभूषा धारण करके हाथों में लाठी लेकर कर राउतों के द्वारा किया जाता है, जिसमें दोहा पारते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीलाओं का क्या होता है, वर्णन होता है। साथ में याद रखना इसमें जो वाद्य यंत्र होता है वो गड़वा बाजा होता है, और राज जाति अपने मालिक के घर जाकर, अपने ठाकुरों के घर जाकर ये नृत्य करते हैं, तथा पशुओं के विशेष सज्जा के रूप में क्या बांधा जाता है, सुहाई बांधा जाता है, जिसमें मान्यता है कि ये सुहाई क्या करता है, पशुओं की अनिष्टकारी शक्तियों से रक्षा करता है। साथ में हमको याद रखना राउत नाचा का जो पहली बार आयोजन हुआ था कहां का, बिलासपुर राउत नाचा, वो आपके लिए कब हुआ था, 1978 का। तो आपको जब भी कभी मेंस का लेखन लिखे, जब भी आप उसको लिखना चालू करें, तो आपके पास कुछ पॉइंट्स होना चाहिए। तो कंपटीशन कम्युनिटी की सबसे खास बात यह है, जब हम लोग मेंस का आंसर राइटिंग कराते हैं तो हम पहले एक फ्रेमिंग कराते हैं, आपको एक थीसिस बनाना सिखाते हैं कि आपको लिखना कैसे, क्योंकि पढ़ा तो सब देते हैं लेकिन उसको लिखा है कैसे, ये सबसे बड़ी दिक्कत होता है। और सबसे खास बात यह है कंपटीशन कम्युनिटी में आप सीजीपीएससी का कोई भी कोर्स लोगे तो आपको वो लाइव मिल जाता है, आपको
रिकॉर्डेड मिल जाता है और आप देखेंगे आप उसको घर में कई बार चीजों को देख सकते हो। अगर हम देखेंगे हम बाइलिंगुअल हमारी क्लासेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं उसको हिंदी में तो पढ़ाते हैं साथ में हम इंग्लिश में भी बताते हैं क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश में भी तैयारी करते हैं। चूंकि आप देखोगे छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम लोग हिंदी में करते हैं इसीलिए ऐसा मत समझना ये जो वीडियो बनाया गया है उसको हिंदी में जरूर बताया गया है लेकिन जब आप क्लास में आते हो तो हम क्लास में हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग करते हैं। तो ये है भाई आपके लिए आंसर राइटिंग आपके लिए एक प्रैक्टिस और इसी प्रैक्टिस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हो सकता है मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको पंथी नृत्य को और चंदनी नृत्य को आगे और चीजों को अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि जिनको जरूरत हो कि सर हमको आंसर राइटिंग कैसे लिखना है तो उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार और जय छत्तीसगढ़। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।